मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हमारे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा। कल हमारे द्वारा एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया गया था। आज हम दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब दोनों वस्तुओं की कीमतें समान होती हैं का अध्ययन किया जाएगा। गणनावाचक विश्लेषण, जिसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन हम कर चुके हैं। दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ दो स्थितियाँ पाई जाती हैं, दोनों वस्तुओं की कीमतें समान हो, दोनों वस्तुओं की कीमतें असमान हो। यहाँ पहली कंडीशन जिसमें दोनों वस्तुएँ कीमतें समान हैं का अध्ययन सबसे पहले किया जाएगा। दो वस्तु के संदर्भ में जब दोनों वस्तुएं कीमतें समान हैं, इसमें दो शर्तें होती हैं जो पूरी होनी आवश्यक हैं उपभोक्ता के संतुलन के लिए। पहली शर्त, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता डिवाइड प्राइस एक्स, एक्स वस्तु की कीमत इक्वल टू, मतलब बराबर मार्जिनल यूटिलिटी वाई, y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, y वस्तु की कीमत, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात y वस्तु की प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों वस्तुओं की कीमतें समान ही हैं, क्योंकि हमें किस संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं, जब दोनों वस्तुएँ कीमतें समान है, तो यहाँ x वस्तु प्राइस x और प्राइस y दोनों इक्वल होने के कारण अब हमारी पहली शर्त जो उपभोक्ता के संतुलन की है, मार्जिनल यूटिलिटी x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y भी हम कह सकते हैं या रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस x और प्राइस y को हमारे द्वारा हटा लिया गया है। दूसरी शर्त, प्राइस x क्वांटिटी x, एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मात्रा, बीच में कोई पॉइंट नहीं है, मतलब गुणा करना है एक्स वस्तु की मात्रा को और एक्स वस्तु की कीमत को। प्लस का साइन दे रखा है यहाँ पर, प्राइस वाई क्वांटिटी वाई, वाई वस्तु की कीमत प्रति इकाई जो भी है और वाई वस्तु की मात्रा जितनी भी उपभोग की जा रही है, उन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को जोड़ दिया जाए इक्वल टू एम, एम का मतलब होता है आय, उपभोक्ता की आय, आय और ये दोनों व्यय पक्ष को इंडिकेट कर रहे हैं। इक्वल टू के बाईं तरफ व्यय पक्ष है उपभोक्ता का, इक्वल टू के दाईं तरफ आय पक्ष है उपभोक्ता का। व्यय और आय जहाँ बराबर हो जाती है वहाँ उपभोक्ता संतुलन में रहता है। यहाँ पर हमारे द्वारा दूसरी शर्त प्राइस एक्स क्वांटिटी एक्स प्लस प्राइस वाई क्वांटिटी वाई इक्वल टू एम होगी। अब मैं दो वस्तु के संदर्भ में जब दोनों वस्तुएं कीमतें समान हो, इसे उदाहरण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन का आपको उदाहरण समझाऊंगी। उदाहरण में मैंने आय लिए, उपभोक्ता के पास ₹7 हैं, एक्स वस्तु की कीमत ₹1 है, वाई वस्तु की कीमत ₹1 है और आपको जो ज्ञात करना है वो उपभोक्ता का संतुलन है। ये तालिका आपके सामने दी हुई है, इसमें आपको बताना है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु या उपभोक्ता किस बंडल का चयन करेगा। उपभोग की इकाइयां दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि 6 इकाइयां उपभोक्ता के द्वारा एक्स वस्तु पर खर्च की जाती है तो उसे पहली इकाई से 20 की संतुष्टि, दूसरी से 16 की, तीसरी से 12 की, चौथी से 8 की, पाँचवीं से 4 की और छठी से 0 के बराबर संतुष्टि की प्राप्ति होती है या सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और यदि 6 इकाइयाँ वाय वस्तु की खरीदता है तो इसी स्थिति में पहली वस्तु वाय वस्तु की पहली इकाई से 17 के बराबर संतुष्टि, दूसरी से 13 के बराबर, फिर 8 के बराबर, 5, 3 और 0 के बराबर संतुष्टि की और अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती लगती है। यह उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का प्रयोग करे जो ₹7 में मैक्सिमम संतुष्टि प्रदान करे, वो बिंदु ही उपभोक्ता का सामने या संतुलन का बिंदु होगा। अब देखो आपके द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शर्तें आपके पास दोनों दी हुई हैं, पहली मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई,
दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग प्राइस एक्स क्वांटिटी एक्स प्लस प्राइस वाई क्वांटिटी वाई इक्वल टू एम है। जहाँ ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी वहाँ उपभोक्ता का संतुलन हो जाएगा। ठीक है, हम ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे अपने, क्योंकि दोनों वस्तुएं गिनते हैं, एक रुपए एक रुपए है। पहला रुपया किस वस्तु पर खर्च करे, एक्स पर करता है 20 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है, वाई पर करता है 17 के बराबर सेटिस्फेक्शन। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, किस पर खर्च करेगा, एक्स वस्तु पर। पहला रुपया खर्च हो गया, दूसरी इकाई खरीदनी है उसको दूसरा रुपया खर्च करना है, मतलब एक्स वस्तु पर खर्च करता है तो 16 के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो गया, वाई पर खर्च करता है क्योंकि वाई की अभी तक एक भी इकाई नहीं खरीदी तो उसे 17 के बराबर संतुष्टि प्राप्ति होगी। 16 और 17 में हु इज ग्रेटर देन 17, यहाँ पर दूसरा रुपया उपभोक्ता के द्वारा किस पर खर्च कर दिया गया, वाई वस्तु पर। तीसरा रुपया खर्च करना है उसको, एक रुपये प्राइस है, तीसरा रुपया खर्च करते समय यदि एक्स वस्तु पर खर्च करता है तीसरा रुपया, एक्स वस्तु की एक इकाई पहले खरीद चुका है अब दूसरी इकाई खरीदेगा तो 16 के बराबर संतुष्टि प्राप्त होगी, और वाई की यदि खरीदता है क्योंकि एक इकाई पहले खरीद चुका है दूसरी से संतुष्टि 13 के बराबर है, 16 और 13 में इज ग्रेटर देन 16, यहाँ पर थर्ड तीसरा रुपया उपभोक्ता के द्वारा एक्स वस्तु पर खर्च किया जाएगा। चौथा रुपया खर्च करते समय फिर कंपैरिजन करेगा, एक्स से 12 संतुष्टि, वाई से 13 की, चौथा रुपया उसके द्वारा वाई वस्तु पर खर्च किया जाएगा। पांचवा रुपया 12 और 8 में कंपैरिजन करने पर पांचवा रुपया यहाँ पर खर्च हो गया उसके द्वारा, छठा रुपया 8 और 8 यहाँ पर उसके द्वारा छठा रुपया, क्योंकि इसकी तीन इकाइयाँ पहले उपभोग हो चुकी हैं, इसकी दो ही हुई हैं, यहाँ पर वो अपना छठा रुपया खर्च कर देगा, यहाँ पर उसके द्वारा छठा रुपया। अब सातवां रुपया खर्च करते समय देखेगा तो यदि एक्स पर खर्च करता है तो 8 के बराबर संतुष्टि और वाई पर खर्च करता है तो 5 के बराबर संतुष्टि की प्राप्ति होगी, वो इसी पर अपना सातवां रुपया भी खर्च कर देगा। सातों रुपये खर्च हो गए, अब हमारे द्वारा शर्तें पुट करनी है। पहली शर्त क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू प्राइस एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई। पहली शर्त के अनुसार मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइडेड प्राइस एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त कितनी है, 8, और मार्जिनल यूटिलिटी वाई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त कितनी है, 8। पूरा हो गया, ये पहली शर्त कंप्लीट हो गई। दूसरी शर्त के अनुसार प्राइस एक्स क्वांटिटी एक्स प्लस प्राइस वाई क्वांटिटी वाई इक्वल टू एम। प्राइस एक्स कितनी है, 1 रुपये, क्वांटिटी कितनी खर्च कर रहा है, कितनी खरीद रहा है, 1, 2, 3, 4 चार इकाइयाँ खरीद रहा है, प्लस प्राइस वाई कितनी है, 1 रुपये, क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है इसकी, 1, 2, 3 मुद्रा 7 रुपये, 4 एकम 4 3 एकम 3 4 और 3 7 7 इक्वल टू 7। यहाँ पर हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। उपभोक्ता अपने संतुलन बिंदु पर x वस्तु की 4 इकाइयाँ और y वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग करेगा, या जो बंडल उपभोक्ता के सामने पर है, उपभोक्ता का संतुलन बंडल, बंडल में दो वस्तुओं की सम्मिलित मात्रा होती है, वो क्या है, 4:4 या एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाए तो उसे सर्वाधिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। कल हमारे द्वारा दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया जाएगा, साथ में सम सीमांत उपयोगिता नियम का भी अध्ययन कराया जाएगा आपको। धन्यवाद, थैंक यू।